बट एक पुराने टॉपिक के ऊपर एक रिसर्च आई है जिसके बाद में ये पर्टिकुलर चीज दोबारा से एक्टिव हो गई है आई थिंक जनवरी 2022 की ये बात है जब ये, ये पर्टिकुलर वॉल्केकैनो जो है वो इरप्ट हुआ था उसके बाद में वो एरिया की जोग्राफी भी जो है वो थोड़ी सी काम में आ रही थी एंड आफ्टर दैट ये एक नई स्टडी आई है जो कि बता रही है विच हैज इन्वेस्टिगेटेड द क्लाइमेटिक इफेक्ट कॉज द इरप्शन ऑफ हुंगा टोंगा हुंगा हपाई वॉलैनो राइट right? जो कि अगेन विट इन ऑन जनवरी 15 2022 यूपीएससी के लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है हाउ अगर आप स्टेट एग्जाम के अंदर जाते हो तो वो कुछ कुछ डेट्स पूछते हैं इस केस में ये है ही नहीं इंपॉर्टेंट राइट यूपीएससी वैसे भी आपसे डेट्स वगैरह पूछता नहीं है uh, हिमाचल की और बाकी स्टेट्स की आदत है वो थोड़ा सा जो है आपसे डेट्स वगैरह पूछ सकते हैं राइट right? इस केस में आपको याद रखने की जरूरत नहीं सिर्फ रेफरेंस के लिए कि दो का ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो ये इंसिडेंट जो है तबका है ये कैटास्ट्राफी Generating a tsunami and triggered warnings across the Pacific basin ना, Ring of Fire है ना रिंग ऑफ़ फ़ायर है ना पैसिफिक की रिंग ऑफ़ फ़ायर तो उसके वहीं पे ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो है ये पर्टिकुलर आइलैंड है ये पर्टिकुलर नेशन है ये बच्चे अ सब्सक्राइब स्टडी इन द जर्नल ऑफ़ क्लाइमेट रिवील्ड इट्स यूनिक क्लाइमेट इंपैक्ट्स नोटेबली इट

कि ज्योग्राफिकल uh, लोकेशंस क्या हैं कहाँ माउंटेन है कहाँ रिवर है कहाँ पे हॉट वाटर करंट है कहाँ कोल्ड वाटर करंट है कहाँ डीप सी करंट है जेट स्ट्रीम्स कहाँ ये सब आपके पास ना एक बेसिक सा डेटा रहता है राइट प्लस आप जियो मॉर्फोलोजी के कॉन्सेप्ट लगाते हो कि वॉलकैनो क्या करता है अर्थक्वेक क्या करता है किस तरीके से काम करते हैं इन दोनों के मिश्रण से यू कैन प्रिडिक्ट कि इस जगह पे अगर ये हो तो क्या होगा राइट पर्टिकुलर टॉपिक आपको वही एक इंसाइट देता है कि किस तरीके से स्टडी प्रेजेंट करनी है यूपीएससी को राइट right? सबसे पहले हम देख लेते हैं टोंगा हपाई वॉलैनो के बारे में लोकेशन मैंने आपको इसमें बताइए वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन ये आपको पता ही मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के पास में है ये राइट वेस्ट ऑफ टोंगा मेन इनहेबिटेड आइलैंड राइट टाइप ऑफ वॉल्नो कौन सा था इट इज अ सबमरीन वॉलकैनो वन ऑफ द द टोफुआ आर्क राइट right? अब वो टोफुआ आर्क भी आपसे पूछ सकते हैं सवाल में टोफू आर्क आएगी नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे बनी दिस आर्क इज फाउंड बाय सबडक्शन ऑफ कौन कौन सी प्लेट पैसिफिक प्लेट द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट राइट right? ये अब आपका थोड़ा यूपीएससी लेवल का जो है काम देखने में लग रहा है राइट right? यहाँ पे आपको जो है सवाल देखने को मिल सकते हैं राइट कंपोजिशन इंक्लूड्स टू स्मॉल अनइनहैबिटेड आइलैंड्स नेम होंगा हपाई एंड होंगा टोंगा राइट टोंगा के बच्चे ये मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं ये आपको मैप वर्क की तरह आपको ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगा के इन पर्टिकुलर चीज को आपने याद करना हैोंगा टापू ग्रुप है ना मतलब अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत तो देखने में लग रहा होगा ना कि ये टापू वर्ड जो है थोड़ा सा एंशियंट गुटाइज में उनकी लोकल लैंग्वेज में यही वर्ड है बच्चे ठीक है

Last, past 2023, right? Latest, इसके इसके ऊपर अभी हमारे पास में कोई और चीज चीज नहीं है। है, इस की आपको आपको जो है, mains के अंदर आपको वो खुद से डालने को दे सकते हैं कि यहां पे अगर ये तो इसके क्या इफेक्ट होंगे तो यू नीड टू नो कि ओशन करंट कैसे काम में करते हैं जेट स्ट्रीम्स कैसे काम में करती है राइट ऑस्ट्रेलिया बेटर समर इसकी वजह से विच इज नॉट यूजल फॉर एन एन लीनो ग्लोबल एवरेज टेपरेचर ओनली 0.0015 डिग्री राइट आपका जब वॉलैनिक इप्शन होता है तो उसके बाद में एक क्लाउड कवर आ जाता है राइट रिफ्लेक्ट बैक करती है बिकॉज स्मोक एंड क्लाउड दन लाइट राइट रीजनल क्लाइमेट इफेक्ट्स क्या है देखिए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इफेक्ट आया माइट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कोल्डर एंड वेटर विंटर्स इतना लॉन्ग टर्म चेंज है

राइट रीजनल ग्रुपिंग्स तो आपने पढ़ी रखी होंगी ये पर्टिकुलर चीज जो जो है है ना और आप थोड़ा सा इसके इस ऊपर ध्यान दे दीजिए तो कभी ना कभी ना काम ज़रूर आएगा बिकॉज़ इट इज़ अल्टीमेटली स्टैटिक स्टैटिक थिंग राइट चीज़ की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको एक के बजाय बहुत सारे में आपको जो है फायदा कर देते हैं आप इसे देखिए कि हाउ द हंगा ऑंगट इज डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल बॉल्केनिक राइट आई वोंट बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस इज एन इम्पैक्ट ऑफ अ जनरल बॉल्केनिक्स राइट इरप्शन ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट अगेन इसके अंदर आपको जितने भी पॉइंट आप सोच सकते हो सारे इसके अंदर सब्स्यूम कर दिए गए हैं ये अगेन आपके लिए एक बोनस स्लाइड है बच्चे राइट तो डू रीड इट राइट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड एज ऑफ नाउ दैट इज ऑल इन द वीडियो थैंक यू सो मच thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024